ये धन दौलत यहीं के यहीं धरी रह जाएगी, कोई साथ लेके नहीं जाएगा, मगर उसके साथ वो ही जाएगी, एक अच्छाई जाएगी उसके साथ। अगर उसका नाम कुछ भी अगर जिंदगी में मुझे भगवान ने दिया है, हद से ज्यादा दिया है, तो एक किसी की जिंदगी सुधार दूंगा, वो मेरी जिंदगी के तराने गाता रहेगा कि हाँ ये बंदा था मेरी जिंदगी। हिस्ट्री ये एक स्कूल है जो शरणार्थी बच्चों को पढ़ाता है, और ये शरणार्थी कैंप के लोगों ने ही एस्टैब्लिश करा हुआ है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में जहाँ मैं 2003 से पढ़ा रहा था 2018 तक, आज बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में चले गए हैं। जब उनको देखता हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मतलब प्राउड फील करता हूँ। तो इस कैंप में कुछ स्टेशनरी की जरूरत थी, और मैम जो शालिनी जेशी कॉल्ड मी अप, शी वांटेड टू सेलिब्रेट हर चाइल्ड्स बर्थडे विद पाकिस्तानी किड्स। अपने हिंदू बच्चे कम जाते थे स्कूल में डर की वजह से, तो वो बच्चे घरों में रहते थे, तो उन बच्चों को मैं पढ़ाता था वहां पर। हमने अपना स्कूल बनाया हुआ था और सब बच्चों को घर घर से पकड़ के लाता था। इसी तरह से वहां पर मैंने 2018 तक वहां बच्चों को पढ़ाया। माधव का हैप्पी बर्थडे। माधव इज गोइंग टू बी 7 years old टुडे। हैप्पी बर्थडे माधव फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम दिस किड्स। दोस्तों आज हम आए हैं एक नए कैंप में, नए बच्चों के बीच में एक नया सेलिब्रेशन करने। माधव दुबे इज गोइंग टू बी 7 years old टुडे, और उनकी मदर शालिनी दुबे फ्रॉम भिवंडी राजस्थान कॉल्ड मी फ्यू डेज बैक दैट शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट हर चाइल्ड्स बर्थडे विद पाकिस्तानी शरणार्थी किड्स। ये जो दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं इतने सारे बच्चे, ये एक स्कूल है, और ये स्कूल का क्या हिस्ट्री है, ये एक स्कूल है जो शरणार्थी बच्चों को पढ़ाता है, और ये शरणार्थी कैंप के लोगों ने ही एस्टैब्लिश करा हुआ है। बिकॉज उनके पास जब वो ये लोग यहाँ आए थे इस कैंप में, इनके पास यहाँ पर स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं थी, तो पाकिस्तानी लोगों ने ही अपने बच्चों को एजुकेशन मिले इसके लिए उन्होंने ये स्कूल एस्टैब्लिश करा। और जब हम इस कैंप में आए तो इस कैंप में कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत थी, और मैम जो शालिनी जेशी कॉल्ड मी अप, शी वांटेड टू सेलिब्रेट हर चाइल्ड्स बर्थडे विद पाकिस्तानी किड्स। इस स्कूल के जो टीचर हैं, मैं अभी आपसे उनको मिलाता हूँ। ही कॉल्ड मी अप कि उनको यहाँ पर स्टेशनरी की ज़रूरत थी, कुछ नोटबुक्स, पेंसिल, शार्पनर वगैरह वो सब चीज़ें। तो वी यूटिलाइज्ड हर डोनेशन ताकि इन बच्चों को स्टेशनरी मिले और इन बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, वी आर ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हिंदू सम्मान फाउंडेशन। हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज की, और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हिंदू भारत आते हैं या भारत आने की चाह रखते हैं, ऐसे हिंदू परिवारों को हम यहाँ हेल्प करते हैं। एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली नॉन पोलिटिकल। आपकी कोई भी पोलिटिकल इंक्लिनेशन हो, वी डू नॉट केयर दैट। अगर आप खुद को हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं तो यू बिलोंग टू HSF एंड HSF बिलोंग्स टू यू। अब मैं आपको इस स्कूल की मैनेजमेंट से मिलाता हूँ। इस स्कूल एस्टैब्लिश कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में स्कूल बना है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो में बने रहिए, बिकॉज वी नीड टू हेल्प दीज पाकिस्तानी हिंदूज टू अपलिफ्ट themselves, ताकि ये जो बच्चे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अपनी कम्युनिटी को बैक इन पाकिस्तान और इंडिया मैं खुद से रिप्रेजेंट कर सकें, और अपनी राइट्स की और अपनी जस्टिस के लिए खुद से फाइट कर सकें। तो स्टे ट्यून्ड। ये स्कूल जिन्होंने एस्टैब्लिश करा उनसे मिलते हैं। मेरे साथ में नेहरू लाल जी हैं, नेहरू लाल जी इस कैंप के प्रधान हैं, और मैं ये बता दूं, ये दिस कैंप इज इन आदर्श नगर दिल्ली। नेहरू जी आप जरा सबको बताओ, हमारा जो इतना व्यूअर है सब हिंदू है, हिंदू समाज, और फॉर अस दोस्तों हिंदूज आर सिक्स जैन्स बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज। हम हिंदुओं में कोई जात पात को नहीं मानते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते, ना बोलते हैं ना समझते हैं, हमारे लिए सारे हिंदू हिंदू हैं। आप सबको बताओ जरा, सब उधर की तरफ देख के बोलो कि ये स्कूल कैसे बना और कैसे आप लोगों ने इसको एस्टैब्लिश करा। सब भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम 2013 में आए थे, तब यहाँ पे 6-6, 7-7 फुट के खड्डे थे, ये सारा पानी पानी था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सब पानी था। ठीक है, तो हमने 2013 में आके यहाँ पे हम बैठे, जब हमारे परिवार ज्यादा 20-25 परिवार थे। ठीक है, तो उसके अंदर लोग
190 लोग थे, छोटे बड़े सारे, तो 30-40 बच्चे थे। मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा जैसे भी गया, कहीं पे भी सरकारी स्कूल के अंदर हमें एडमिट नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे हमें, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो खुद अपनी कोशिश की जाए, मैंने एक छोटा सा स्कूल बनाया, ठीक है। उस स्कूल के माध्यम से आप जैसे भाई पहले आते थे पढ़ाने के लिए, उसने उस बच्चों को पढ़ाया, फिर भगवान ने चाहा धीरे धीरे ये हमारा कैंप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आज यहाँ पे 300 परिवार के करीब है। बहुत अच्छी बात है। और हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं 250-300 बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप भाई आए, आज वीडियो बना रहे हैं, सब जगह जा रही है, और सब भाइयों से मेरा विनती भी है, सब भाइयों ने हमारे ऊपर थोड़ी 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 दया करी और हमें कुछ सहारा दिया और हमारी कुछ मदद की, तो ये आज स्कूल इतना बड़ा बन गया। और ये हमारे टीचर हैं, ठीक है, ये तकरीबन 2013 से हम आए थे, मैं पहले आया था तकरीबन 3-4 साल पहले आया था, ये 2000 बाद में आए, तो ये इसने ये इस स्कूल के ऊपर 5-6 साल इसको भी हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए इनको। ये ऐसे टीचर हैं कि ये 24 घंटे बच्चों को पढ़ाता है, इतना लगाव रखता है, सुबह भी स्कूल लगाता है, शाम को भी लगाता है, फिर ऑनलाइन भी वहीं पे हमने कुछ कंप्यूटर वगैरह जैसे आप जैसे भाइयों ने भेजा जिसके पास कंप्यूटर थे, उस कंप्यूटर के ऊपर भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे, जैसे हमारे बच्चे सरकारी में भी जाते हैं, अब सुबह लड़कियां सरकारी में चली जाती हैं तो लड़कों का यहाँ पे लगता है, ये ट्यूशन है एक तरफ से, तो फिर लड़के चले जाते हैं तो लड़कियां शाम को करती हैं। तो इस माध्यम से ये स्कूल बना है और हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, जितने भी बाहर भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं अमेरिका में, जापान में, जहाँ पे, उन लोगों ने भी मदद की हमारी, ठीक है। ये स्कूल जो बना है, ये जो हमारा पूरा ये कैंप लगा है, उसमें उन लोगों भाइयों की भी बहुत बहुत हाथ है, ठीक है, मदद की है उन लोगों ने, बहुत मदद की हमारी, बाहर देशों से जो हमारे हिंदू भाई बाहर रहते हैं उसने भी हमारी मदद की है। यहाँ पे बिजली नहीं थी, 10 साल बिजली नहीं थी, अच्छा। तो अमेरिका में एक हमारा भाई रहता था जिसे आप आए, वैसे भी उनकी कुछ टीम बनी हुई थी जी। उसने देखा वीडियो में कि बिजली नहीं है, हमारे भाई वो उनने सोलर पैनल हमारे लिए भेजे, ठीक है, 200 शर्ट भेजा था सोलर पैनल का, तो एक शर्ट का कीमत था यहाँ पे मैंने पूछा तो 16,000 के करीब, अच्छा 16,000 रुपए का एक शर्ट था, उसके बैटरी सोनल पंखा जितना भी जो सामान था 16,000 रुपए का शर्ट था, उसने 200 शर्ट भेजे हमारे लिए, 200 परिवारों के लिए। तो मैं उस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, बिल्कुल, हमारे जो हिंदू भाई नहीं, हमारे हिंदू भाई करने के लिए तैयार हैं, सारे करते हैं, मगर मेन मुद्दा कहीं पे भी कुछ न कुछ तो भटक ही जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे भाई हिंदू भाई एक हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। और दोस्तों बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, मेन इशू दोस्तों हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूँ नेहरूलाल जी, जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना वो हम भुगत चुके हैं और अब हम काफी हद तक निकल भी आ चुके हैं सिचुएशनों से। मेन इशू दोस्तों जो लोग इस सिस्टम को नहीं समझते कि हिंदू इश्यूज क्या हैं, या जब हिंदू तकलीफ में होता है, खास तौर से जो देश में भारत में जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब का बॉर्डर हो गया, राजस्थान का बॉर्डर हो गया, या गुजरात का बॉर्डर हो गया, मेनली जो पाकिस्तान से टच में है, या जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, आई एम नॉट ब्लेमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ये इश्यूज, आप जो सेंट्रल इंडिया में लोग रहते हो, जैसे दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, क्यों, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है। और यही चीज, ये भी इस चीज में इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि जब भी हमें अपनी इश्यूज समझानी पड़ती है तो अगला बंदा नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता, वो उसको समझ नहीं आता, वो हमसे ऐसे बोलता, अरे तुम ऐसे कर लेते, तुम ऐसे कर ले, लेकिन जो इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं दोस्तों। इसीलिए हमने ये संगठन बनाया, बिकॉज रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ हिंदूज इज पैरामाउंट फॉर अस। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दो वक्त की रोटी खा लेता, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों है कि अपनी इज्जत इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर इज्जत की दो रोटी अगर गरीब को भी मिले, वो भी अमीरी की जिल्लत भरी बहुत सारे पकवानों से बहुत बढ़िया है, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए इन्होंने इस इशू को समझा और ये पहला कैंप है जहां मैंने देखा कि दोस्तों किसी कैंप के जो 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 जिन्होंने एस्टेब्लिश करा है ये लोगों ने स्कूल पर ध्यान दिया है, क्योंकि दोस्तों स्कूल एक ऐसी चीज है जहां आपका फैमिलीज की डेवलपमेंट होती है। ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद यहाँ पर दोस्तों ये बच्चे ट्यूशन लेते हैं। अभी मेरे को नेहरू लाल जी एक और चीज बताओ, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में कोई जाते हैं यहाँ पर के सारे ये गवर्नमेंट स्कूल में जाते नहीं, हैं? नहीं सर, सारे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि पेरेंट के पैसे हमारे पास नहीं है, कहाँ से आएंगे इतने, वो फीस भी नहीं दे सकेंगे, कहाँ से देंगे। दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ दोस्तों, जैसे अभी हमने नागरिकता और उसके ब्रदर लोकेश का एडमिशन करवाया कार्मल स्कूल देहरादून में, आई वुड रियली लाइक टू थैंक अगेन टू कर्नल साहब, कर्नल एन के पांडे जी और जो स्कूल का मैनेजमेंट है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप में से कुछ लोग सामने आए ताकि इस कैंप के भी हम जो टॉप के बच्चे हैं, मैंने इन टीचर से बात करी है, मैं अभी आपसे बात करवाऊंगा इनकी, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पाकिस्तान से पढ़कर आए हैं और इनकी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ भी देखी होगी आपने हमारे चैनल पे। मैं चाहता हूं आप कुछ लोग सामने आए, इस कैंप के कम से कम 10 या 20 बच्चे वही एज ए ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू प्लेस इन प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली। और मैं अभी कमिंग वीडियो एक और बनाऊंगा, आई हैव गॉट वन मोर स्पॉन्सर फॉर टू किड्स, हम दो बच्चे अभी और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं, तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट वीडियो सेपरेटली विद यू, दैट थिंग इज स्टिल इन प्रोसेस बिकॉज वी आर स्टिल इन डिस्कशन विद डिफरेंट स्कूल्स टू गेट अस अ डिस्काउंटेड फीस फॉर दैट। और मैं चाहता हूँ आप में से कुछ लोग सामने आए ताकि हम इस कैंप के भी कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनकी हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएं ताकि उनका डेवलपमेंट फास्ट हो। अगर ऐसा करवा पाएं तो क्या बोलोगे आप, फिर आपको लगेगा मजा आएगा, आपको खुश होगे। मैं कहता हूँ उस भाई का धन्यवाद होगा। एक और बात कहता हूँ सब भाइयों से, देखो आनी जानी ये दुनिया है जी, आनी जानी दुनिया है, फिर मौका मिले ना मिले सेवा करने का जी, बड़ी मुश्किल से ये मिली है इंसान की जो इंसान बना है जी, इसके अंदर ये धन दौलत यहीं के यहीं धरी रह जाएगी, कोई साथ लेके नहीं जाएगा, मगर उसके साथ वो ही जाएगी, एक अच्छाई जाएगी बिल्कुल उसके साथ। अगर उसका नाम कुछ भी अगर जिंदगी में मुझे भगवान ने दिया है जी, हद से ज्यादा दिया है, तो एक किसी की जिंदगी सुधार दूंगा, वो मेरी जिंदगी के तराने गाता रहेगा कि हाँ ये बंदा था मेरी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल संवार करने वाला, क्योंकि आनी जानी दुनिया है तो यहाँ पे रहेगा धन दौलत सब, यहाँ विद्या दान सबसे बड़ा दान है। हमारे शास्त्रों में दान की बहुत महिमा गाई गई है, विद्या दान सबसे बड़ा है, तो विद्या दान बहुत इम्पोर्टेंट। और इस स्कूल में जो विद्या बांट रहे हैं, आइए उन टीचर से मिलते हैं। मेरा नाम विक्रम है और मैं अभी से नहीं बल्कि 2003 से मैं हिंदू बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 2003 में मैंने पाकिस्तान में एक एनजीओज के द्वारा एक स्कूल की ज्वाइनिंग की थी और तब से मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता था जहाँ पर अपने हिंदू बच्चे हैं जो खेती बाड़ी लोग करते हैं और देहात में रहते हैं जैसे जंगलों में, तो वहाँ पर कोई स्कूल नहीं होता था। और उस समय वहाँ पर पाकिस्तान में तो जो बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो अपने हिंदू बच्चे कम जाते थे स्कूल में डर की वजह से जी। तो वो बच्चे घरों में रहते थे तो उन बच्चों को मैं पढ़ाता था, वहाँ पर हमने अपना स्कूल बनाया हुआ था और सब बच्चों को घर घर से पकड़ के लाता था। इसी तरह से वहाँ पर मैंने 2018 तक वहाँ बच्चों को पढ़ाया। और इसके बाद जब मुझे भारत आने का कुछ हुआ और वहाँ पर देखा कि राइट्स हमारे जो हिंदुओं को नहीं मिल रहे, तो फिर मैंने भारत आने का सोचा और वीजा के लिए अप्लाई किया तो मैं भारत आ गया। यहाँ आकर हमने देखा कि नेहरू जी ने एक स्कूल बना रखा था छोटा सा, लेकिन यहाँ पर वॉलंटियर लोग आते थे, कोई परमानेंट टीचर नहीं था हमारे पास। यहाँ पर नेहरू जी के पास आसपास से कोई फ्री होता था तो आके 2 घंटे पढ़ा लेता था। नेहरू जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था और फिर हरिओम जी ने मुझसे बात की कि आप पाकिस्तान में जब पढ़ाते थे बच्चों को तो आप यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाए। यहाँ पर आके मैंने बच्चों के अंदर देखा कि भारत के अंदर ये बच्चे जो है सिंध से आए हुए हैं, सारे बच्चे सिंध से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को हिंदी बोलना पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था।
और मैंने यहाँ पर आके फिर पाकिस्तान के जो तरीके जिस मेथड से मैं पाकिस्तान में पढ़ाता था उसी मेथड से मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अभी हमारे कैंप के सारे बच्चे हिंदी अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा उनका रिजल्ट आता है। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता हूँ इन बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, और वहाँ के टीचरों से बात करता हूँ कि कौन से बच्चों को किस चीज़ की नीड है, कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक आ रहा है, तो उसके ऊपर हम मेहनत करते हैं। और सब बच्चे हमारे लगभग हमारे सारे बच्चे जो है उनका रिजल्ट बेस्ट आता है, और सब टीचर मेरी तारीफ करते हैं कि आप पढ़ाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पास मतलब सुबह से लेके सुबह जब 6 बजते हैं तो बच्चे नींद से आके मुझे उठाते हैं। इतना बच्चों के अंदर और मेरे अंदर इतना प्रेम है, इतना लगाव है, ये बच्चे मेरे परिवार के जैसे हैं। और मैं इनको मतलब ऐसे नहीं समझता कि किसी और के बच्चे हैं, ये मेरे खुद के अपने बच्चे हैं। और मेरा प्रयास ये रहा है क्योंकि मैं खुद एक मेरा पापा जो है किसान थे, वो खेती बाड़ी करते थे। मेरे पापा मम्मी अनपढ़ है, पूरे फैमिली अनपढ़ है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पापा का ड्रीम था, ख्वाब था कि मैं पढ़ूं लिखूं कुछ बनूं। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे पापा मेरे कपड़े इस्त्री करते थे, सुबह उठा के नहला धुला के, जैसे छोटे बच्चों को हम नहीं करते थे यार ऐसे करते थे। और मेरे पापा दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और मम्मी भी, तो मैंने देखा एक वक्त का खाना पाकिस्तान में खाया, एक वक्त का नहीं खाया, ये भी हालत हमने देखी है पाकिस्तान में। बहुत मुश्किलात वक्त गुजरा है हमारा, कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, ऐसा वक्त था। तो तब मैंने सोच लिया कि मैं जिस जिंदगी से गुजरा हूँ, जिस दौर से गुजरा हूँ, ये बच्चे उस दौर से ना गुजरे, इनको मैं आगे देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जहां मैं 2003 से पढ़ा रहा था 2018 तक, आज बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में चले गए हैं। जब उनको देखता हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मतलब प्राउड फील करता हूँ। दोस्तों एक चीज मैं ऐड अप कर दूं, ये जो अपने विक्रम भाई हैं ये पाकिस्तान से पढ़कर आए हैं और ये ग्रेजुएट हैं और इनको सारी उर्दू सब चीज आती है ना आपको? जी हाँ, उर्दू, सिंधी, हिंदी, अरबी, इंग्लिश। और इन्होंने हिंदी इंडिया कर सीखी है ना, आपने मुझे बताया था। हिंदी इंडिया में आके हरिओम भैया ने मुझे कोर्स करवाया था बाहर से। तो मैं अभी इनको लेकर आपको पूरा स्कूल दिखवाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि स्कूल में है क्या, कैसा स्कूल बना है। लेकिन उससे पहले वी वॉन्ट टू स्टार्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज बच्चे वेट कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों जिन्होंने ये स्कूल बनाया है, जिन अच्छे लोगों ने बनाया, मैं चाहता हूँ आप ही डिस्ट्रीब्यूट करो नेहरू जी। और आप कुछ बच्चे सामने आ जाओ, आपके हाथ से नहीं, हमारे हाथ से नहीं, हम सेवक हैं आपके, आपका आप अपने हिसाब से करो, आपको पता है किस बच्चों को क्या देना है दोस्तों। और ये बच्चों को देते जाइए, आप खुद से देते जाओ, बांटो बांटो बांटो, जाओ कुछ कॉपियां भी ले लो आप ऐसे। हाँ, ये लो नेहरू जी को देते आओ, एक कॉपी एक वो जो पैकेट है। बहुत अच्छी बात है, दूसरे में प्रेम रहेगा हमेशा, कोई भी चीज आदर मैं बांटता नहीं, मैं एक दो को देता हूँ। मेरे को स्टेशनरी दी है ना उसके लिए, ये लो ये, नाम बता दीजिए। बहुत धन्यवाद, इधर से धन्यवाद मेरा नहीं, हैप्पी बर्थडे टू माधव बोल दो। हैप्पी बर्थडे माधव, माधव को हैप्पी बर्थडे। माधव इज गोइंग टू बी 7 इयर्स ओल्ड टुडे, हैप्पी बर्थडे माधव फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम दीज किड्स। और शालिनी जी बहुत अच्छा काम करा हमने। और दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सामने आए, बिकॉज एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी हिंदू बच्चे हैं ये इनका कुछ बहुत बड़ा परसेंटेज हम प्राइवेट स्कूल में अब्सॉर्व करवा सकें। प्लीज़ कम फॉरवर्ड इफ़ यू वॉन्ट टू स्पॉन्सर एनी चाइल्ड, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, बिकॉज मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट पाकिस्तानी चिल्ड्रन टू रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटी बैक इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया बाई देयर किड्स। इसलिए जरूरी है कि हम इनकी मॉडर्न टॉप से टॉप एजुकेशन करवाएं, टॉप से टॉप स्कूल्स में इनको एडमिट करवाएं, और जहां बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिलती है वहां इनको एजुकेशन मिले। और मैं ही इस वीडियो के माध्यम से ये भी चाहता हूं कि स्कूल्स, दिल्ली के स्कूल्स सामने आएं, और आप अगर एक एक दो दो तीन तीन बच्चों को भी अब्सॉर्ब करोगे तो ये पूरा पाकिस्तानी समाज के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अब्सॉर्ब कर सकें हो जाएंगे। आप जो इस वीडियो को देखते हो आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कीप कमेंटिंग, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।